कर्नाटक के बीजेपी विधायक बासन गोड़ा पाटिल यत्नाल ने 17 मार्च यानी शुक्रवार को कहा कि अगर बीजेपी राज्य में सत्ता में वापस आती है तो वो सभी मदरसों को बंद कर देगी। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का उदाहरण देते हुए बेलगावी की जनता के सामने बयान दिया। गौरतलब है कि इससे पहले शर्मा ने 16 मार्च यानी गुरुवार को यही बात कहते हुए असम के जनता को संबोधित किया। दरअसल उन्होंने कहा कि असम में सभी मदरसों यानी मुस्लिम धार्मिक स्कूलों को बंद करवाने का इंतजाम हम करने वाले हैं। साथ ही इस बयान से ये साफ जाहिर है कि असम के मुख्यमंत्री को लगता है कि भारत में मदरसों की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा बेलगावी के मंच पर दिया गया ये बयान अब चर्चाओं में आ गया है। साथ ही वो आगे कहते हैं कि इस न्यू इंडिया में मदरसों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर छात्र मदरसों में नहीं बल्कि स्कूल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं तो डॉक्टर और इंजीनियरिंग की भी तैयारी की जा सकती है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी बिस्व शर्मा का 600 मदरसे बंद करवाने वाले बयान पर काफी बवाल हुआ था। अब देखना यह है कि इस बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या इस बयान के बाद भी कर्नाटक की सियासत गरमाएगी या इस बार जनता को कुछ समाधान मिलता हुआ नजर आएगा।